हेलो डियर एंड वेलकम टू अपनी क्लास चैनल। और आज मैं आपके लिए पेपर लेके आया हूँ एनुअल एग्जामिनेशन मार्च 2020 हिमाचल की लोक संस्कृति और योग। सो आप पिछले पेपरों से एक आइडिया जो है वो लगा सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं 2020 वाले क्वेश्चन पेपर से रिपीट जो है वो हो रहे हैं। अभी तक जो है आपको ये आइडिया हो चुका होगा, तो इस बार भी इस एग्ज़ाम में ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन जो है वो रिपीट होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको ध्यान देना है सिर्फ डिलीटेड सिलेबस का कि कौन सा जो है डिलीट किया गया है, क्योंकि 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था आपका एनुअल, उस टाइम कुछ भी डिलीट नहीं था, राइट। सो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें अपनी क्लास चैनल, आपका खुद का चैनल है, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, और आगे भी जुड़े रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो हम पहला क्वेश्चन सीधे ही स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन जो है वो आएगा आपका 10 मार्क्स का, और इसमें जो है आपके 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का होगा, राइट। तो ये जो है आपके रिक्त स्थान होंगे, ऑप्शन आपको दी गई होगी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं खालिस्तान ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट पर हमला किया, सो 1365 या 1316। तो इसकी राइट चॉइस जो है, सही आंसर जो है आपका 1316 ईस्वी। और आगे हम इसी के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः धर्म के लोग बसते हैं, तो आप जानते होंगे, ऑप्शन आपके पास है हिंदू या सिख। जी हाँ, अगर आप सोच रहे हैं हिंदू तो आप बिल्कुल सही हैं। और इसी तरह तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, तो किन्नौर में भूत प्रेतों को भगाने हेतु खालिस्तान का आयोजन होता है, ऑप्शन आपको दी गई है आस्था या फिर था। तो इसका सही आंसर जो है वो मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये आपको एक छोटा सा होमवर्क है, आप जरूर कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का आप आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। देखता हूँ मैं कितने लोगों का जो है वो सही आंसर जो है वो आता है। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें खालिस्तान के मूल मंत्र पर आचरण करना चाहिए, क्या वो 3R है, क्या वो R2 है। तो आपका सही आंसर जो है 3R। 3R मींस एक आपका रिड्यूस मींस कम प्रयोग करना, ओके। कोई भी चीज़ है तो उसका आप समझदारी से प्रयोग कीजिए, कम प्रयोग कीजिए, रिड्यूस रीयूज और रिसाइकल, कम प्रयोग करना और रिसाइकल, आपने पुनः उसको चक्रण करना और बार बार उस चीज़ को आपने प्रयोग में लाना, ठीक है। तो ये 3R जो है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, सूर्य नमस्कार में स्थितियां होती हैं, क्या वो 12 है या 14 है। सो आप साथ साथ में गेस करेंगे तो आपकी रिवीजन भी होगी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिए ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग जो है सही कमेंट दे रहे हैं। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं तो 12 है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की खालिस्तान नदी को सबसे पवित्र माना जाता है, तो नेचुरली यमुना है या गंगा, आप जानते हैं गंगा है। अष्टांग योग का चौथा अंग खालिस्तान है, प्राणायाम या फिर यम, तो इसका सही आंसर जो है वो आपका प्राणायाम है। और आगे हम बढ़े तो गरुड़ आसन में शरीर को खालिस्तान पक्षी की भांति बनाना पड़ता है, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, क्या वो उल्लू है, क्या वो गरुड़ है। तो आप सही सोच रहे हैं, नाम से ही यहाँ से क्लियर है कि गरुड़ आसन। और आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, आपका 9th पार्ट है पहले क्वेश्चन का, रेचक का अर्थ होता है,
तो रेचक का अर्थ होता है, इसमें ऑप्शन आपको दिए नाक से श्वास बाहर निकालना या श्वास सांस अंदर खींचना। तो इसका सही आंसर जो है वो सांस अंदर खींचना रेचक कहलाता है। और इसी क्वेश्चन का 10th पार्ट, करण तीर आसान से खालिस्तान दूर होता है, सिर दर्द या बहरापन। करण तीर आसन से, तो इससे जो है आपका बहरापन जो है वो सही होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है बहरापन है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे जरूर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक और एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी ये हमारा सफ़र जो है वो इसी तरह बना रहे। सो गलत और सही का चयन, ये आपका क्वेश्चन रहेगा सेकेंड। ये भी आपका 10 मार्क्स का, हर क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का रहने वाला है। सो 2001 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की साक्षरता दर लगभग 77% हो गई है, क्या ये सत्य है या असत्य है? तो ये जो है आपका गणना 2001 की पूछी गई है, तो इसमें जो है आपका आंसर, सो इसका सही आंसर जो है वो मैं आपको नहीं बताने वाला। ये भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि वाकई में क्या ये राइट है या रॉन्ग है। सो आगे हम बढ़ते हैं। संस्कृति शब्द का शाब्दिक अर्थ है संस्कार करना, हाँ या ना? तो इसका अर्थ जो है वो बिल्कुल हाँ है। और आगे हम बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यतः सिख धर्म के लोग बसते हैं, हाँ या नहीं? तो आप जानते हैं जी नहीं, हिंदू धर्म के। आप खालिस्तान में भी ये पढ़ चुके हैं। क्या जैक और लीजा इंग्लैंड में पढ़ाई करते थे? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ाई करते थे। बाढ़ की स्थिति में पानी उबालकर पीना चाहिए? जी हाँ, पीना चाहिए, क्योंकि उसी से जो है बरसात में बहुत सारे सूक्ष्म जीव जो हैं वो पानी में होते हैं, चाहे वो भले ही वो साफ दिखता हो, तो इसलिए हमें उबाल कर जो है वो पानी जो है पीना चाहिए। सुंदरनगर में 1935 में कौमी तिरंगा फहराया गया, हाँ या ना? तो आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर अगर मैं आपको बता दूं हाँ या ना, तो इसका सही आंसर जो है, बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट में। क्या प्राणायाम योग अष्टांग योग का तीसरा अंग है, हाँ या ना? तो इसका आंसर जो है वो ना। और आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के अगले पार्ट में। मानव शरीर में मुख्यतः 5 प्राण है, जी हाँ, 5 भूतों से जो है हमारा जो शरीर है वो बना है। अक्सर आप ये चीज़ सुनते भी होंगे। मुर्गे की आकृति वाले आसन को गरुड़ आसन कहते हैं, हाँ या ना? तो उसे हम कहेंगे जी हाँ। सो आगे जो आपका है क्वेश्चन नंबर टू का टेंथ पार्ट, कुंभक 2 प्रकार का होता है, क्या वाकई में होता है? जी हाँ, होता है। तो इसका आंसर जो है वो हाँ। अगले क्वेश्चन में हम बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका, तीसरा क्वेश्चन जो है आपका आएगा सही मिलान करना, और वो भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का जो है वो रहने वाला है। तो आपको मिलान करना वजीर राम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों से टक्कर ली, तो वाकई में कब ली होगी? तो कोई ना कोई वो सन होगा, तो हम देख लेते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे एक 1936 है और एक 1942 है और एक 1845 है। तो इसका सही मैं आपको आंसर बता दूँ, तो इसका आंसर जो है 1845। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, आपकी बुक में जो है वो इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया 1845 का। यहाँ पे जो अगर आप बुक में देखेंगे तो 1848 लिखा होगा, और आपकी जो हर बुक है यानी कि MBD है उसमें जो है 1845, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास 1845 ही है, तो हम इसका सही आंसर जो है 1845 ही मानकर चलेंगे। ओके, सो इसमें आप कंफ्यूज ना होएं। अगला हम मेल देख लें तो थाथा का आयोजन जो है वो आपका क्या चीज़ है? तो वो
भूतों को भगाने हेतु आप देखिए थाथा का आयोजन जो है आप पीछे भी पढ़ चुके होंगे, क्वेश्चन आपका आया था किन्नौर में भूतों को भगाने के लिए एक आयोजन किया जाता, उसका आंसर मैंने नहीं दिया था तो आपको यहाँ उस चीज़ का आंसर जो है वो ज़रूर मिल रहा है भूतों को भगाने हेतु। अगर किसी ने कमेंट बॉक्स में सही लिखा है तो वो बिल्कुल सही लिखा है भूतों को भगाने में, अगर ये कमेंट में लिखा है तो। और आगे हम देखें मंडी प्रजामंडल का गठन जो है आपका कब हुआ, तो मंडी प्रजामंडल का गठन जो है आप गैस कीजिएगा कहाँ, या मंडी प्रजामंडल का गठन जो है वो आपका किसने किया होगा, तो वो थे आपके रॉबर्ट मॉन्टगोमरी। ओके, तो सामने जो आपको इसके सामने दिख रहा है इसका जो है वो सही आंसर है। और पहाड़ी गांधी कौन थे, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बार भी जरूर आएगा। तो पहाड़ी गांधी जो थे वो आपके बाबा कांसीराम थे, राइट। और पंजोता आंदोलन कब हुआ था, तो आप पंजोता आंदोलन जो था वो 1942 ईस्वी में हुआ था। और 1942 ईस्वी में ही अगर बात करूं तो भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था, तो ये उसी के रिगार्डिंग है, तो हिमाचल में इसको हम पंजोता आंदोलन से भी जोड़कर देख सकते हैं। योग का तृतीय अंग, तो ऑप्शन आपके सामने है, आप गैस कीजिए क्या हो सकता है, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो सकता है, आप थोड़ा गैस कीजिए। चलिए गैस आपने कर लिया होगा, तो इसका मैं आपको बता दूं तो इसका सही आंसर जो है योग का तृतीय अंग जो है वो है आपका आसन। ओके, और अगला क्वेश्चन जो है आपका 3R, 3R के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर भी अभी आपको फिर से बताऊँगा। रिड्यूस 3R मीन्स, पहले R का मीनिंग है आपका रिड्यूस, कम प्रयोग करना, यानी कि जितनी ज़रूरत है उतना ही प्रयोग करना। ओके, रिवर्स करना, यानी कि बार बार जो है आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। और तीसरा जो है रिसाइकल, उसका पुनः चक्रण करना, तो ये जो है इसका सही मेल है। ओके, ये पीछे आपका क्वेश्चन में भी, खालिस्तान में भी जो था आपका वो आया था। सो आगे हम क्वेश्चन देखें तो मानव सेवा भारती आश्रम, भर्ती आश्रम जो है वो कहाँ है, क्या मेल रहेगा इसका, तो इसका सही आंसर जो है आपका मानव सेवा भर्ती आश्रम जो है आपका हरिद्वार में है। ओके, और नेक्स्ट लास्ट जो बचता है दरोगा, तो दरोगा का जो सही मेल होगा वो है आपका बुद्धि सिंह। जी हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 4th, ये आपका आएगा 2 मार्क्स का, राइट। इसमें आपके 10 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का रहेगा, तो ये आपको थोड़ा उस हिसाब से ही लिखना पड़ेगा, 2 मार्क्स के हिसाब से, तभी आपके मार्क्स पूरे हो पाएंगे। महमूद गजनवी में 1009 ईस्वी में किस किले पर आक्रमण किया, तो ये थोड़ा डिटेल में आप लिखें। विलियम हे कौन थे, तो आप थोड़ा सा जो पॉसिबल होगा वो मैं ज़रूर बताऊंगा। जैसे महमूद गजनवी में जो है वो आक्रमण नगर कोट में किया। ओके, आपका नगर कोट कांगड़ा में, राइट। तो ये क्वेश्चन जो है आगे भी आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। विलियम हे कौन था, तो विलियम हे एक अंग्रेजी शासक था, अंग्रेज शासक था। ओके, एंड संस्कृति कितनी प्रकार की होती है, तो ये सी का पार्ट है, हर एक क्वेश्चन दो दो नंबर का, तो संस्कृति जो आपकी 2 प्रकार की होती है। और हिमाचल संस्कृति के समक्ष आज क्या क्या समस्याएं, ये काफ़ी थोड़ा डिटेल में है तो आप इसे जरूर देखें। आपातकालीन आपदा से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये भी आप अच्छे से याद करें, क्योंकि आपदाएं अक्सर आती हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है इस हिसाब से। और
यानी कि 70% जो है वो रिपीट होने के चांसेस हैं इसके। भाई दो ना पाई दो नारा किसने दिया था और इसका क्या अर्थ है, ये भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हायर लेवल में चले जाओगे तब भी जो है वो आपका ये क्वेश्चन पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो इसका मीनिंग जो है वो अपने भाई को फौज में भेजो, जैसे कि किसी का सपना होता है कि मैं आर्मी में जाऊंगा, तो ठीक वैसे ही अपने भाई को फौज में भेजें। ओके, ये जो है इसका अर्थ है। जो चलिए अगला क्वेश्चन, प्राणायाम की उपयोगिता बताएं, इम्पोर्टेंट है। 5 उप प्राणों के नाम लिखें, एग्जांपल जैसे कि देव दूत नाग कुंभ धनंजय, इस तरह से जो है वो 5 हैं। वन किस आसन में किया जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मासन में किया जाता है। उड्डयन वन कौन से रोग में किया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसमें पेट की चर्बी घटाने, मधुमेह यानी कि आपकी जो आजकल बीमारी चली हुई है शुगर जिसे कहते हैं, अजीर्ण या स्मरण शक्ति के लिए जो है इस उड्डयन बंद को जो है वो करवाया जाता है। इन रोगों की विजय के लिए, इन रोगों को पराजय करने के लिए इनका जो है वो प्रयोग किया जाता है। सो आगे क्वेश्चन नंबर 5वां जो है आपका वो 3 नंबर का आएगा और टोटल 15 मार्क्स होंगे, तो ये थोड़ा और आपको बड़ा करके लिखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप जरूर क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। देख पा रहे होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, आप आइडिया ले सकते हैं। स्वतंत्र संग्राम में पहाड़ी बाबा कांशीराम ने क्या योगदान दिया, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्याहार से आप क्या समझते हैं, स्वाध्याय का विद्यार्थी जीवन में क्या महत्व है, और 6ठा क्वेश्चन जो आपका 4 मार्क्स का आएगा और 5 क्वेश्चन होंगे, तो वो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा आप आइडिया लीजिए और ये क्वेश्चन जो आपको चॉइसेस में मिलने वाला है, और आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डिलीटेड या फिर कोविड के कारण जो 30% इस बार आपको ऑप्शन भी बढ़ाई गई है। सो आपके मार्क्स ज़्यादा लेने के फुल चांस हैं, बस चढ़ते आप थोड़ी मेहनत कर लें। सो हिमाचल प्रदेश में 1948 के पश्चात अब तक विकास का अपने शब्दों में वर्णन करें 6 नंबर के लिए, और अथवा में क्वेश्चन दिया गया है, तो जो भी आपको अच्छे से आता है तो जरूर करें। और पर्यावरण के ऊपर जरूर क्वेश्चन आएगा, पर्यावरण संरक्षण हेतु आवश्यक कदम विषय पर 100 शब्दों में अपने विचार रखें, और अथवा करके भी ये क्वेश्चन है। प्रजामंडल प्रज्योता आंदोलन की महत्ता क्या है, और इसी का पार्ट जो है वो चौथा आप देख पा रहे हो। 5 उप प्राणों के स्थान पर कार्य का वर्णन करें, तो ये जो है कुछ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आपका एग्ज़ाम बनता है। और लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट, अगर थोड़ी भी अगर आपको अपने एग्ज़ाम के लिए हेल्प मिली होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और साथ में सब्सक्राइब भी ज़रूर करें आगे जुड़े रहने के लिए। सो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, आपका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। सो बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।